हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग दुनिया। बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे आज के वीडियो के बारे में। आज का वीडियो है हमारा जावा के जीयूआई से रिलेटेड, डायरेक्टली अगर मैं कहूँ कोडिंग सेक्शन। फ्रेंड्स आज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑनवर्ड्स मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ जावा के जीयूआई की कोडिंग्स। हम कुछ कोडिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसके अंदर हम हर एक जावा के जीयूआई कॉम्पोनेंट से रिलेटेड कोडिंग के जो तरीके हैं, जो मेथड उस पर अप्लाई होने हैं, किस तरीके के स्टेप्स उसमें लगने हैं, क्या क्या तरीके से आप उस पर कोड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आज हम हमारा प्रोग्राम नंबर वन ऑफ जावा जीयूआई कोडिंग। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने पर्टिकुलरली कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा डिजाइनिंग सेक्शन है, ये जो आउटर बॉर्डर्स हैं, ये सारा है। अज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग, ये क्या चीज़ है, ये हमारा फ्रेम है, ये हमारा जीयूआई इंटरफेस है जो हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारे नेटबीन्स के अंदर। अब बात करी जाए कंपोनेंट्स की। मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैंने मेंशन कर रखे हैं, मैंने तीन कंपोनेंट्स लिए। मेरा ये जो पहला प्रोग्राम है ये पूरा रिलाय करता है सिर्फ किस चीज के ऊपर, तीन कंपोनेंट्स के ऊपर। एक हम बात कर रहे हैं किसकी फ्रेंड्स, लेबल। क्लियर? सबसे कॉमन सबसे बेसिक कंपोनेंट, दूसरा हमारा टेक्स्ट फील्ड और तीसरा हमारा बटन। मैं पहले ही क्लियर कर दूं आप सारों को, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हर बार कोडिंग जिस कंपोनेंट की अप्लाई होगी मैक्सिमम टाइम्स या 110% श्योरिटी के साथ अगर कहा जाए बटन्स पर हम लोग कोडिंग करने वाले हैं। जो हमारे कमांड बटन्स होते हैं, ओके बटन होता है या सो कॉल्ड जे बटन है हमारा, हम उस पर कोड करेंगे क्योंकि बटन एक ऐसा कंपोनेंट है जिस पर इवेंट अकर करता है हर बार के कोड में। क्योंकि बटन क्लिक करने से ही हमारे, आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हो या किसी भी तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आप कुछ भी सबमिट करते हैं, चेक करते हैं, ओपन करते हैं, दैट एवरीथिंग will cover up in okay button, command buttons or J buttons in Java GUI. So, आज की बात करें तो इस पूरे पर्टिकुलर प्रोग्राम वन के अंदर तीन कंपोनेंट। सबसे पहला बाय डिफॉल्ट नेम है फ्रेंड्स जे लेबल वन, जे छोटा है, लेबल का एल बड़ा है, वन लिखा हुआ है। क्लियर? सेकंड कंपोनेंट है बॉक्स फॉर्म, बॉर्डर मिलेगा इसका। हम लेबल का भी बॉर्डर सेटअप कर सकते हैं बट मैंने वो जनरल फॉर्म में रखा है जिस फॉर्म में वो होता है या आपको मिलेगा। क्लियर? तो सेकेंडली जो हमारे पास में है वो है हमारा टेक्स्ट फील्ड, बाय डिफॉल्ट नेम इज जे टेक्स्ट फील्ड वन, टी एफ कैपिटल एंड जे स्मॉल। तीसरा कॉम्पोनेंट है हमारा बटन, जिस पे ऊपर हेडिंग लिखी है मैंने इंडिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये जो ऊपर ये जो चीजें लिखी हैं यहां पर इन कंपोनेंट्स पर, ये मैंने एडिट टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू चेंज करी है। कौन सी प्रॉपर्टी फ्रेंड्स अप्लाई करी है इनके ऊपर, टेक्स्ट या एडिट टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है उसका यूज करके मैंने ये जो ऊपर के कंपोनेंट्स पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो बदल दिया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, साथ साथ में जो इनके बाय डिफॉल्ट नेम्स थे मैंने वो बाय डिफॉल्ट नेम्स भी चेंज कर दिए, बिकॉज इतने बड़े बड़े नेम्स मैं यूज करूंगा कोडिंग में बार बार कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। मान लीजिए मैंने कुछ टी स्मॉल कर दिया, मैंने बटन का बी स्मॉल कर दिया, तो वो प्रॉब्लमैटिक है। तो इसी के अंदर जब आप कंपोनेंट पे क्या चीज करेंगे मैं यहां लिखकर बताता हूं फ्रेंड्स, कंपोनेंट पर आपको करना है राइट क्लिक। किसी भी कंपोनेंट पे लो राइट क्लिक करते ही ऊपर से हमारा सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स वहां पर, दैट इज चेंज वेरिएबल नेम। यानी कि ये हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आप उस वेरिएबल का नाम बदल सकते हैं। क्लियर? आपको जिस कंपोनेंट का नाम चेंज करना है, जो डिफॉल्ट नेम्स होते हैं बाय डिफॉल्ट जो दिए होते हैं वो हम बदल सकते हैं। राइट क्लिक करना है कंपोनेंट पे, सेकंड प्रॉपर्टी है वहां पे हमारे पास में चेंज वेरिएबल नेम। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिट टेक्स्ट, उससे ऊपर का टेक्स्ट चेंज होगा। सेकंड प्रॉपर्टी जो चेंज वेरिएबल नेम है उससे ये नाम चेंज होंगे। क्लियर? ये नाम डिस्प्ले नहीं हो रहे बट ये कोडिंग में हम यूज मिलेंगे। तो मैंने J लेबल 1 का नाम कर दिया सिंपल L1 स्मॉल में, J टेक्स्ट फील्ड 1 का नाम कर दिया T1 स्मॉल एंड J बटन 1 का नाम चेंज कर दिया फ्रेंड्स B1। टास्क क्या है, काम क्या करना है, कोड क्या करना है, कोडिंग होगी फ्रेंड्स किसके ऊपर, बटन के ऊपर। मैंने हेडिंग लिख दी है व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गोइंग टू कोड फॉर द इंडिया बटन। इसकी जगह लाइक टीचर्स भी कहते हैं या एक अच्छा प्रोग्रामर हो तो वो यूजुअली फंक्शंस यूज करता है। यहां पे पर्टिकुलर ये एक तरीके का फंक्शन है, जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो एक इवेंट ओपन हो जाएगा। वो इवेंट की लाइन होती है लाइक प्राइवेट वॉइड जे बटन वन एक्शन परफॉर्म जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट एक्शन इवेंट ईडब्ल्यूटी एडब्ल्यूटी, इस तरीके से वो पूरी लाइन है। ज्यादा बेटर है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप इस तरीके से लिखकर बता सकते हैं वहां पे कि आप किस बटन के अंदर ये कोड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे उसके लिए। तो 12th वालों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल परफेक्ट चीज है। क्लियर? तो हमने लिखा हेडिंग हमारा, हम किस चीज की कोडिंग करेंगे, करेंगे इन सब कंपोनेंट्स की कोडिंग है लेकिन करेंगे किसके अंदर, बटन के अंदर। तो क्लियरली हेडिंग हो गई हमारी कोड फॉर इंडिया बटन। टास्क क्या है फ्रेंड्स,
अभी जो टेक्स्ट यहां पर है, यानी कि जो गुड मॉर्निंग इंडिया है, मैं चाहता हूं ये स्वैप होते रहे. स्वैप इन द सेंस मैं गेट सेट की फंक्शनिंग सिखाना चाहता हूं आपको इन तीनों कंपोनेंट के ऊपर. तो सबसे पहली चीज, जब मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो इस बटन की जो वैल्यू है, यानी कि जो यहां पर इंडिया लिखा है, वो कहां चला जाएगा फ्रेंड्स? लेबल के ऊपर. क्लियर? यानी कि जो वैल्यू बटन पर है वो कहां जाएगी? लेबल पे. जो वैल्यू लेबल पे है वो कहां जाएगी फ्रेंड्स? टेक्स्ट फील्ड के ऊपर. और जो वैल्यू टेक्स्ट फील्ड्स पे है वो कहां जाएगी फ्रेंड्स? आपके बटन के ऊपर. यानी कि आप जब जब बटन क्लिक करेंगे ये वैल्यू स्वैप होती रहेंगी. क्लियर फ्रेंड्स? ये टास्क है जो कि हमें परफॉर्म करना है, बहुत सिंपल सा, हमारे पहले प्रोग्राम में. क्लियर? स्वैपिंग करनी है, वैल्यूज बदलनी है, क्लिक करते जाना है, वैल्यू चेंज होती जाएगी. तो ये चीज बहुत सिंपल तरीके से अप्लाई करी है हमने, किससे? गेट और सेट फंक्शन लगा के. तो स्टार्टिंग करते हैं. सबसे पहली चीज, क्योंकि ये तीन कंपोनेंट्स हैं, मुझे तीनों की वैल्यू गेट करनी थी तो मुझे तीन वेरिएबल चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैल्यू देखते ही मैं डिसाइड कर सकता हूं किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू. तो मैंने एक साथ डिक्लेयर कर दिए स्ट्रिंग ए कॉमा बी कॉमा सी विद सेमीकोलन. ये हुआ सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि अभी कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है, सिर्फ अभी हमने तीन वेरिएबल्स को क्या करा है फ्रेंड्स? डिक्लेयर करा है. क्लियर? अब हमने लाइंस लिखी, मैंने लाइन लिखी है a is equals to l1 dot get text, यानी कि जो वैल्यू l1 means label 1 पर है वो वैल्यू किस वेरिएबल में आकर सेव हो जाए? a के अंदर. यानी कि कमेंट के फॉर्म में लिख के बता सकता हूं मैं क्या सेव हुआ फ्रेंड्स यहां पर? गुड आकर a में सेव हो गया. क्लियर? b is equals to t1 dot get text, t1 वाली वैल्यू यानी कि टेक्स्ट फील्ड 1 वाली वैल्यू किस में सेव हो जाए फ्रेंड्स? b के अंदर. यानी कि इस जगह पर b में क्या आकर सेव हो गया? it is morning. क्लियर फ्रेंड्स? एंड c इज इक्वल्स टू b1 डॉट गेट टेक्स्ट, यानी कि b1 वाली वैल्यू जो है वो c वेरिएबल में आकर सेव हो जाए. व्हिच इज, मैं कमेंट्स के सिंगल लाइन कमेंट के फॉर्म में आपको लिखकर बता रहा हूं, जो चीज मैंने यहां पर लिखी है ये कंपाइलर कभी भी नहीं रीड करता, बिकॉज ये कमेंट्स है हमारे सिंगल लाइन कमेंट्स. जब जब आप कमेंट्स यूज करते हो, कमेंट्स लगाने के बाद में आपका कंपाइलर आगे लिखी हुई चीजों को स्किप कर देता है, वो उनको डॉक्यूमेंटेशन की तरह यूज करता है. तो क्लियर हुआ, a में वैल्यू आ गई गुड, b में वैल्यू आ गई मॉर्निंग, सी में वैल्यू आ गई इंडिया. अब हमें डिस्प्ले करना है. डिस्प्ले का रूल क्या था? बटन की वैल्यू जानी चाहिए लेबल पे. तो हमने लिखा l1 डॉट सेट टेक्स्ट, सेट वाला फंक्शन, गेट वाला लगा दिया था सिंपल स्ट्रिंग टाइप का. अब सेट वाला फंक्शन, कोट्स को ब्लैंक रखा है क्योंकि वेरिएबल में ही वैल्यू है, प्लस सी यानी कि इंडिया वाली वैल्यू किस पर चलेगी फ्रेंड्स? लेबल पर चलेगी. नेक्स्ट t1 डॉट सेट टेक्स्ट, गुड वाली वैल्यू इसमें आनी चाहिए, गुड किस में है? a में, a डिस्प्ले कराया. एंड b1 डॉट सेट टेक्स्ट, b वाली वैल्यू, क्योंकि बटन पर कौन सी वैल्यू जानी चाहिए फ्रेंड्स? मॉर्निंग वाली वैल्यू है, b में सेट कर दिया. जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार वैल्यूज क्या होती जाएंगी? स्वैप होती जाएंगी. क्लियर फ्रेंड्स? ये था हमारा पहला सबसे सिंपल प्रोग्राम जिसमें हमने तीन बेसिक कॉम्पोनेंट उठाए, लेबल, टेक्स्ट फील्ड एंड बटन, और उन पर हमने सिर्फ और सिर्फ सबसे सिंपल फंक्शन गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट लगाया. क्लियर फ्रेंड्स? वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको चीज और प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग समझ में आई हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो. ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन. थैंक यू सो मच.